ये बगीचे इतने बड़े क्यों होते हैं? एक फूल, एक फवारा, बात खत्म। इतने तामझाम की क्या जरूरत? ओमपुरी का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था। वो एक दुकान पर चाय बेचते थे। उनके पिता को चोरी के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। उन्होंने अपनी किस्मत बदली और हिंदी सिनेमा में खूब नाम कमाया, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए। थिएटर हो, टेलीविजन या फिर सिनेमा, ओमपुरी ने अपनी शानदार एक्टिंग और दमदार आवाज से सभी का दिल जीता है। उनका जन्म अंबाला में हुआ था। उनके पिता रेलवे और इंडियन आर्मी में थे। ओमपुरी के पेरेंट्स के पास उनके जन्म का ना तो कोई सर्टिफिकेट था और ना ही उन्हें उनकी जन्मतिथि याद थी। उनकी मां ने उन्हें बताया था कि वो हिंदू फेस्टिवल दशहरा के दिन पैदा हुए थे। जब वो स्कूल जाने लगे तब उनके अंकल ने उनका बर्थडे 9 मार्च 1950 दर्ज कराया। लेकिन जब ओमपुरी मुंबई पहुंचे तब उन्होंने देखा कि साल 1950 में दशहरा कब मनाया गया था और उसी हिसाब से उन्होंने खुद की बर्थडे 18 अक्टूबर लिखी। ओमपुरी का बचपन बहुत गरीबी में बीता था। फिर किस्मत बदली और उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया। लेकिन वो मुश्किल दौर में तब आए जब दूसरी बीवी संग उनका मनमुटाव हो गया। आइए जानते हैं उनके बारे में अनसुनी बातें। ओमपुरी ने ऐसा बचपन जिया था जिनमें कोई खुशियां नहीं थी। जब वो 6 ईयर्स के थे उनके पिता रेलवे में कर्मचारी थे। उन पर सीमेंट चोरी का आरोप लगा और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। इसके बाद उनका परिवार बेघर हो गया था। पेट पालने के लिए ओमपुरी के भाई वेद प्रकाश पुरी ने रेलवे में कूली की नौकरी की और ओमपुरी एक दुकान पर चाय बेचने लगे। अपने परिवार को सहारा देने के लिए ओमपुरी ने कई तरह की नौकरी की। वे रेलवे ट्रैक से कोयला भी इकट्ठा करते थे ताकि घर वालों का पेट पाल सके। बाद में उनका और उनके भाई के बच्चों का पालन पोषण एक नौकरानी शांति ने किया। ओमपुरी ने काम के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। प्राइमरी एजुकेशन के बाद उन्होंने थिएटर एक्टिंग सीखने के लिए दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन कर लिया। फेमस एक्टर नसीरुद्दीन शाह, जो कि लंबे समय तक उनके दोस्त भी रहे थे, उन्होंने ओमपुरी को पुणे में इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में जाने के लिए काफ़ी मोटिवेट किया था। नसीरुद्दीन के अलावा अमरीश पुरी भी उनके अच्छे दोस्त थे, लेकिन पूरी सरनेम के कारण लोग दोनों को भाई मान लेते थे। ओमपुरी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका परिवार इतना गरीब था कि FTII में जाने के बाद उनके पास पहनने के लिए एक अच्छी शर्ट तक नहीं थी। नसीरुद्दीन शाह के मुताबिक ओमपुरी FTII में अपनी पढ़ाई से बहुत निराश थे। उनके पास फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। बताया जाता है कि उन्हें FTII को 280 रुपीस देने थे, लेकिन उन्होंने ये कर्ज कभी नहीं चुकाया। ओमपुरी ने कई फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग की। उनकी दिल तक जाने वाली आवाज की दुनिया कायल थी। फिल्मों से ज्यादा वो पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सर्चे में रहते थे। उन्होंने साल 1991 में डायरेक्टर और राइटर सीमा कपूर से शादी की थी, जो एक्टर अन्नू कपूर की बहन है। हालांकि ओमपुरी और सीमा की शादी 8 महीने तक ही चली। इसके बाद 1993 में ओमपुरी ने जर्नलिस्ट नंदिता पुरी संग ब्याह रचाया। कपल को एक बेटा हुआ जिसका नाम ईशान है। साल 2009 की बात है जब नंदिता ने पति पर एक बायोग्राफी लिखी जिसका नाम है अनलाइकली हीरो, द स्टोरी ऑफ ओमपुरी। इस बायोग्राफी ने तहलका मचा दिया था क्योंकि उन्होंने इसमें ऐसे ऐसे खुलासे किए थे जिसे सुनकर और पढ़कर लोग दंग रह गए थे। खुद ओमपुरी भी इससे बहुत नाराज हुए थे। ओमपुरी ने बताया था कि वो उस समय चंडीगढ़ में शूटिंग कर रहे थे और तब उन्हें पता चला कि नंदिता ने उनके ऊपर बायोग्राफी लिखी है। ओमपुरी ने बताया कि वो बायोग्राफी में किए गए खुलासे से बहुत ज़्यादा शॉक है। उन्होंने इसे घटिया बताया था और कहा था कि नंदिता ने उनके सेक्सुअल एनकाउंटर्स के बारे में ऐसे लिखा था जैसे कि वो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियाँ थी। ओमपुरी को सबसे ज्यादा इस बात ने अपसेट किया था कि उनकी वाइफ ने बायोग्राफी में लिखा था कि ओमपुरी ने 14 साल की उम्र में अपनी नौकरानी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया था।
इसके साथ ही नंदिता ने एक लक्ष्मी नाम की महिला के बारे में भी जिक्र किया था, जिससे ओमपुरी सेक्सुअली और इमोशनली दोनों रूप में इन्वॉल्व थे। ओमपुरी ने ये भी बताया था कि अपने वाइफ से उन्होंने सारे डार्क सीक्रेट शेयर किए थे, जैसे सभी पति करते हैं, लेकिन उसने उनके लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र हिस्से को घटिया और बेहुदे गॉसिप में बदल दिया। उन्होंने कहा था, लक्ष्मी मेरी लाइफ की सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं में से एक थी, जिसने मुझे और मेरे भाई के अनाथ बच्चों को पाला। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया था कि उन्होंने लक्ष्मी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया था। उन्होंने इसे खूबसूरत एक्सपीरियंस बताया था। साल 2013 में नंदिता ने ओमपुरी पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। इसके बाद दोनों ने अपने रास्ते अलग करने के लिए कानून का सहारा लिया था। 6 जनवरी 2017 को ओमपुरी का 66 इयर्स की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया था। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में था बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।